तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गाजर का मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 गाजर लिए और उसे इस तरह से बारीक टुकड़े में कट कर लिया। अब इसे हम इसका मिक्सर ग्राइंडर कर लेंगे, इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए हमने मिक्सर में डाल दिया इसे और इसमें हम 1 कप पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। हमने गाजर को अच्छे से फैन प्यूरी बना दिया है। अब हम आधा कप सूजी लेंगे। देखिए मैंने आधा कप सूजी लिया है और मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक बना लूँगी। तो इसकी बारीक पाउडर बना लेंगे हम। तो देखिए मैंने सूजी को बारीक कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे इसे। अब मैं इसमें 1/4 कप मैदा डालूँगी। मैदा हमारे यहाँ पे बैडिंग का काम करेगा। अब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालूँगी। आप चाहे तो इसमें खोआ भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालूँगी। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। आप चाहे तो इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। आप चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। और थोड़ा पानी डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहे। अभी तक ये बैटर गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी है अच्छे से फूल जाएगी। तो हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तब तक हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी लूँगी। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से पका लेंगे हम। देखिए गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसे हमें इतना पकाना है जैसे हमारे हाथों को चिपचिपा लगे, जैसे कि हमारी हनी रहती है चिपचिपी, वैसे हमें इसे पकाना है। 1 या 2 तार की नहीं बनाना है, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे चाशनी बन के तैयार है। ये चिपचिपी लग रही है, हमें इस तरह चिपचिपी चाहिए। अब इसमें हम केसर के कुछ धागे डालेंगे 10 से 12 और इलायची पाउडर। इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी चाशनी बनके तैयार है। इसका थोड़ा सा पीला कलर भी आ गया केसर के। केसर से बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारा मिश्रण भी अच्छे से सेट हो गया है और देखिए सूजी अच्छे से फूल गई और गाढ़ा मिश्रण बन गया है। इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। उससे पहले मैं इसमें ये देखिए फूड कलर डालूंगी, ऑरेंज कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें और एक अच्छे से थोड़ा पतला बैटर बना लेंगे, जैसे कि हमें सेमी बैटर चाहिए इसका। देखिए इस तरह हमें इसका बैटर चाहिए। अब लास्ट में हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, हल्के हाथों से मिलाना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये भी। अब चलिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए तेल गरम हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे। थोड़ा सा हम डाल के देखेंगे तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ कि नहीं। तो देखिए तेल गरम हो चुका है, तुरंत ही ऊपर आ गया।
तो चलिए हम अभी बाकी के सब बना लेंगे। तो यहाँ हम 1 ही चम्मच का साइज रखेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से डालना है, हमें फैलाना नहीं है, ये अपने आप फैल जाएगा। इसे हम तुरंत ही पलटेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हम तेल इस तरह से डालेंगे इसके ऊपर, इसको हम चम्मच नहीं लगाएंगे नहीं तो ये फटने लगेगा। अब इसे हम हल्के हाथों से पलट लेंगे। इसी तरह हम सभी पलट लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है इसका। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा फटने लगे तो आप इसमें मैदे की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो 2 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए इस तरह से अब इसे निकाल के हम तुरंत ही हमारी चाशनी में डालेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी मालपुए बना लेंगे। जब तक दूसरे बैच निकले तक हम इसे इस तरह डीप होने देंगे ताकि इसमें चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, तब हम दूसरा बैच निकालेंगे। तो देखिए गैस को हमने मीडियम टू हाई पे रखा है। इस तरह से हम दूसरी बैच भी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे इसे और दोनों बाजू से अच्छे से सेक लेंगे। गैस को हम मीडियम पे ही रखेंगे ताकि जो अंदर का कच्चापन निकल जाए, अंदर तक अच्छे से सेक जाए, इसलिए हम इसे अच्छे से सेक फ्राई कर लेंगे। इसे हम अल्टी पल्टी करके अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए अच्छे से इसमें चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे हम। तो देखिए हम दूसरा वाला भी निकल के इसमें डाल देंगे। इसी तरह हम जितना भी हमारा बैटर है हम इसी तरह बना लेंगे और चाशनी में डाल देंगे 2 से 5 मिनट के लिए, ताकि चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए उसमें। इसे अच्छे से डीप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे मालपुए बनके तैयार है, एकदम होटल के जैसे हमारी मालपुए बनके तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे गाजर से मालपुआ। गाजर से मालपुआ बनाना बहुत ही ईजी है, आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। चलो तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं।